नमस्कार, मैं किशोर राजू लाहौट हैना का हर्षनगर में। ये मेरी सिस्टर है, मामा की लड़की गीता मंगेश बिड़लाल। ये कम से कम यहाँ पे 16 साल से रहती है। इसका बड़ा भाई नाम रणधीर सिंह झंझोटन, वो आके इसको कम से कम 20 दिन से तकलीफ दे रहा है। कभी आके घर फोड़ देता है, कभी तकलीफ देता है, कभी दरवाजे तोड़ देता है। और 28 तारीख की घटना ये थी कि इनके घर में से पूरा सामान उन्होंने लेकर के जाने वाले थे चुरा करके। उसमें से इसकी सोने की चीज़ भी चली गई, इससे कैश 6000 चलेगा। उसके बारे में हमने 29 तारीख को फिरियाद दी थी सिटी चौक पुलिस स्टेशन में, उसके अवैध में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बाद में 4 तारीख की ये घटना हुई, उन्होंने आके पूरे पतले टीम निकाल दिए इस लड़की के। इसको मारहान करे, इसका लड़का है ये, इसको भी मारे, इसको धमकाए, अगर तुम घर में वापस आए तो तुम्हारे को जान से मार देंगे, ये हमारा घर है। लेकिन ये इसके पिताजी के घर है और ये ही यहाँ रहती है 16 साल से। हम पूरा वाल्मीकि समाज जो है हर्षनगर का, इसके साथ में ही है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसको न्याय दे बेचारे को, इसको तकलीफ ना दे। और पुलिस वाले कोई हमारी फिरियाद ले रहे नहीं, और ले रहे तो सिर्फ सादा उनके ऊपर चैप्टर केस करके उनसे छोड़ दे रहे। तो हमारी आपसे यही विनती है कि भाई इनको कम से कम ये घर के बारे में न्याय दे। इसके खुद के पिताजी का घर है ये। मैं ज्योतिष रघुवीर सिंह बहुत हर्षनगर निवासी। हमारे यहाँ एक बेवा लड़की बहुत दिनों से बहुत परेशान है, उसके भाई उस पर बहुत जुर्म कर रहे हैं, उसके पूरे घर का सामान तोड़ डाले, उसके टीना भी उठा के चुरा के लेके चले गए जब वो घर पे नहीं थे। पूरे महल्ले वाले परेशान हुए बच्ची के लिए, लेकिन कानून कुछ परेशान नहीं हो रहा, पुलिस वाले जाग रहे नहीं। उसकी कंप्लेंट को, उसकी हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दे रहे, उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही। हम पूरे मोहल्ले वाले जाके अभी 4 दिन पहले पूरी बस्ती के लोगों ने सहना मार के सबके दस्तखत दे के उनको अप्लीकेशन दिए कि भाई ये बच्ची की तरफ ध्यान दो, ये गरीब बेटी की तरफ ध्यान दो, मगर पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे। मोहल्ले वाले लोग आ गए तो उनको बोले तुम भी जा, तुम चाहे और गुना दाखिल कर। कौन बोला सर? नहीं, ऐसे लोग वो भी बोल रहे, पुलिस वाले भी और दूसरे भी, यहाँ पे कोरोना फैलाओ मत, बोले जमा मत करो, बच्ची को कौन साथ देगा, बोलो आप। कंप्लेंट ली आपकी पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने कंप्लेंट ली है, मगर ये बच्ची कार्रवाई नहीं हो रही उन पे। अच्छा, अब ये बच्ची को विनायक मिलना कैसी? कानून प्रशासन सोए हुआ है, अब ये कानून के सोने की वजह से लापरवाही से बहन वीडियो पे जुर्म हो रहा। हाथरस में देखो, अब ये बच्ची बेवा है, इसके साथ में इतना जुर्म हुआ, इसके साथ में वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे ज्यादा बेकार, क्योंकि ये रोड पे बैठ गई तो उसको कौन साथ देगा, इससे घर छीन लिए तो, क्योंकि इसके घर का सामान भी उन्होंने चोरी कर लिए, उसकी कंप्लेंट दी, 6000 रुपये चुरा लिए इसके पहले, और घर का सामान भी, दागिने भी चुरा लिए इसके, जेवरात भी, मगर वो कंप्लेंट वो सब लिखने के बाद में भी उनको अंदर नहीं डाले, नहीं डाले ना अंदर ही, उनको अंदर नहीं डाले, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मोहल्ले के 50 से 60 लोगों ने सहना मार के दे दिए, मगर पुलिस सो रही है, कुछ कर रही नहीं, गरीब को तो एकदम नज़रअंदाज कर दे रहे। अब हम लोगों ने बस्ती के कभी संदा मतलब पैसे नहीं, नहीं बता रहा मैं वो करके, अभी बच्ची के लिए मतलब टीना वीना डालने का वो कर लिए, क्योंकि उसके जो सामान चुरा के लेके चले गए घर में का टीना उठा के लेके चले गए, मगर उसके लिए कोई इतना सब मालूम है उनको, उनको वो भी दिखाए, फोटो भी दिखाए कि ये सामान तोड़ दिए, ये टीना जो अभी आप जो देख रहे हैं ये भी उन्होंने देखे, फोटो भी देखे पुलिस वालों ने, फाइल पे लगे हुए एप्लीकेशन पे, मगर फिर भी उनको अरेस्ट नहीं करे। अब ये जो इंसान आज टीना लेके जा सकता, घर का सामान चोर सकता, तोड़ सकता, तो उसने पहले भी करा हो, तो पहले के भी गुना कंप्लेंट पे उसको कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी नहीं हुई, सब कुछ दिखने के बावजूद भी पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट नहीं करे। अब ये पुलिस की लापरवाही है, ये गरीब पे बहुत जुल्म हो रहा है। हमारी आपसे ये विनती है कि बिचारी के लिए आप कानून प्रशासन से भी हम ये कहना चाहेंगे कि भाई इसकी मदद करे और वो क्रिमिनलों को अंदर डालो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो बहन बेटियों पे ऐसे जुर्म होते रहेगा और उसके लिए कानूनी जिम्मेदार है। हर्षनगर राहणार, हर्षनगर येथे आमची मुलगी समजून आम्ही ह्या मुलीला सगळं सहकार्य करत आहोत, परंतु त्यांच्या घरातील अनैतिक व्यक्ती म्हणजे भाऊ हेच त्यांच्यावर अन्याय करतात। ती आता विधवा आहे, तिला एक मुलगी आहे, तिच्या आई वडिलांनी तिला घर दिलेलं होतं, त्यांचे सगळे घरचे सगळे सर्व्हिसला आहेत, त्यांना घरदार आहेत, मग या मुलीला न्याय कोणी द्या? नागरिक लोकांनी भरपूर तिला सहकार्य केलेलं आहे, आणखी आमची ही इच्छा आहे की तिला आम्ही सहकार्य करणार आहे। त्या मुलीचं सगळंच काही व्हायला पाहिजे ना त्यांच्याकडनं, एवढा अन्याय अत्याचार मुलीवर चालत नाही, त्यांनी नाही करायला पाहिजे, बहीण आहे त्यांची किती केलं तरी, आणि जर ते बहीण हे सिद्ध करत नसतील तर त्या मुलीला न्याय मिळायलाच पाहिजे। लड़की भी आ रही थी आंग पे, उन्होंने भी मारे मेरे को। और कौन मारे? जैन लड़के मारे आपको? हाँ, चारों बच्चे थे सर।
तुम्हारे तो आपने पुलिस में तकरार क्या दी है? तो ये तकरार दिए, घर थोड़ा फोड़ी कर रहे हैं और मेरे को मार धाड़ कर रहे, मेरे छोकरे को भी मारने की धमकी दे रहे सर। FIR करे वो लोग ने? हाँ करे सर। तो FIR कॉपी दी आपको? हाँ दी। क्या नाम है आपका? सर ने गीता मंगेश बिटला ने सर। क्या प्रकरण हुआ सर, क्या हो? घर थोड़ा फोड़ी कर रहे, घर से निकाल रहे, माँ पिताजी का घर है सर, वो उन्होंने बोलते घर से निकल जाओ। कौन बोले आपको ये? हमारे ये भाई छोटे वाले। तो क्या वजह से, क्यों बोले आपके हस्बैंड को? क्या है? हस्बैंड गुजर गए सर हमारे। कब से? कब हुआ? 7 साल हो गए सर उनको। तो आप किसके साथ रहते थे यहाँ पे? अभी माँ पिताजी के साथ रहते थे। हाँ। अब हमको मालूम नहीं था ना, अभी हमारे साथ ऐसा करेंगे बोल के उन्होंने। तो कब करे आपके भाइयों ने, क्या करे? ये अभी पहले 1-2 दिन पहले बर्तन निकाले सर उन्होंने, फिर बाद में आए और बोले 10 दिन का टाइम देते तुम्हारे को, नहीं बर्तन निकाले तो बोले थोड़ा फोड़ी चालू कर देंगे बोले घर की बोले। अच्छा। और आए, मैं घर पे भी नहीं थी ना, हमारा लड़का था, तो उन्होंने क्या करे आए और डायरेक्ट पतरे की तरह सब निकालना चालू कर दिए सर। आपने पुलिस में कंप्लेंट करे? कंप्लेंट करे सर, तो कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं, फिर जब सब जने मेरे साथ गए, जब उन्होंने कंप्लेंट ली सर मेरी। कहाँ पे? सिटी चौक। सिटी चौक में। अच्छा, फिर उसके बाद कंप्लेंट लिए बाद वो लोगों को अरेस्ट करे? हाँ सर, पुलिस वालों ने अरेस्ट करे उनको। फिर उसके बाद और आए थे वो बाद में? नहीं सर, फिर उन्होंने बोले बोले पाबंदी कर देते बोले, उसके बाद में नहीं आएंगे बोले वो। मैं बोली पाबंदी नहीं, ऐसा हर्षनगर का घर ही भूल जाना उन्होंने क्या, नहीं इधर आना ही नहीं उन्होंने। अच्छा, बड़े भाभी छोटे भाभी सब जने थे। बड़े पत्ते अभी आए कभी मारन करते, कभी आए कभी छोकरे को भी मारने की धमकी देते। चारों के चारों उस दिन मेरे आंग पे आ रहे थे, साथ में उनके पिताजी, उनकी माँ, वो सब बउआ भी उनके। पैसे भी थे जब कई के पैसे थे, कई के जेवर थे आपके? सोने के थे, सोने के थे सर। अभी मेरे को छोकरे की शादी करने की थी, उसके लिए मैंने बना के रखे थे, मैंने पैसा भी था, वो सब सामान उठाए जब भी वो उन्होंने निकाले, क्या करे उनका उनको पता। अच्छा, तो वो लोग ही आके गए थे घर पे? वो लोग ही जाके गए, और बाहर के दूसरे बच्चे भी बुलाए वाले थे सर, उन्होंने पता नहीं अब किसने उठाया किसने नहीं, भगवान को पता भी, हाथ किसने लगाया थी चौकू और पैसे को उनको पता भी। कितने के जेवर थे आपके? गले का, कान के, नाक के सब बना के रखे थे सर हमने, 6-7 चीजें थे हमारे। अच्छा, पूरे चले गए? पूरे चले गए, पैसे भी अभी चले गए, अभी मैं किसका नाम लेना, कागज पत्र मांगते उधर जाए गए तो कागज पत्र ले गए, कागज पत्र भी उनके पास ही, हमारा एक टुकड़ा भी नहीं छोड़े उन्होंने, वो भी पूरा समेट के लेके गए, हमारे भी उनके भी पूरे चले गए कागज लेके, इतना सा भी कागज नहीं छोड़े सर हमारे लिए उन्होंने। क्या नाम है उनके? वो एक का रामू है सर, अरे एक का श्यामू, एक का विलास, एक का विशाल, और उसकी वाइफ का शकुंतला है, उनका रंजीत है भाई का। अच्छा। उन्होंने भी भाई भी आंग पे आते सर, उन्होंने भी मारते,
नहीं खाली करे तो तेरे को मार देंगे, मारने की धमकी देते हमारे माँ बेटों को दोनों को हमको। किधर भी मिले तो बोले तेरे छोकरे को मार डालेंगे, बोले हम बोले तेरे को भी मार देंगे, बोले घर नहीं खाली करे तो बोले।